हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ये हमारा पहला स्टार परिवार अवार्ड्स है और हम दोनों साथ में आ रहे हैं और हम लोग बहुत अच्छे से उनके साथ जुड़े हैं। ये हमारी शुरुआत है, नच बलिए में हम लोग दोनों एक साथ आए हैं तो स्टार परिवार के साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, बस ये तो शुरुआत है, अभी तो रिश्ता जारी रहेगा। वेल दिस ब्यूटीफुल ड्रेस, दिस इज़ अ कल्की फैशन, आई एम वेयरिंग, वेरी नाइस। डिटेल क्या बताऊँ, इनको अच्छा लगा इसलिए हाँ, मुझे थोड़ा सा मैं आज कलर नहीं चाह रही थी, मतलब थोड़ा पेस्टल कलर्स, इस टाइप का कलर्स, क्योंकि यू कैन सी ये बहुत ही मतलब अलग हटके कलर है फॉर मी, तो मुझे अच्छा लगा और ये जो है ये भी काफ़ी सूट होता है मुझे, सो दैट्स व्हाई। So I went for a very simple, nice sequenced frock, which is very close to my character of Soumya also, so I thought I'll stick to it. So yeah. I'm wearing a gown. This is like, and I love my look. I don't know how I'm very excited. बहुत सारे nominations भी हैं इश्पा से और दिल बोले ओबराय से भी, तो मैं तो बहुत excited. We all are very excited. और इश्पा definitely our team will. Even I don't know. I hope soon. I think Gulbam will know this better. Her character is on break right now. Yes. So she is having a nice time. Thank you. Thank you so much. Bye. Thank you.
थिंक सिंपल इज ऑलवेज क्लासिक एंड हम दोनों ने ब्लैक पहना है. रेड कार्पेट के लिए आई थिंक ब्लैक इज द परफेक्ट आउटफिट एंड आई थिंक सिंपल इज इन. आई थिंक दैट लुक्स द बेस्ट एंड आप खुद भी बहुत ही कंफर्टेबल एंड गुड, यू नो, यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. Yes, see, I do love wearing suits. Mera to koi standard hai, but Anita looks very classy tonight actually. Very minimalistic approach rakha hai to, which is very classy. Well, I've performed Gulabi Aankhe pe maine perform kiya hai. So I just hope logo ko mera performance pasand aaye and Balaji has done the event, so we're very excited. Is that देखिए मैं इंडस्ट्री में बहुत लाइक यू नो 18 इयर्स से हूँ एंड विद एवरी ईयर आई थिंक वो चेंज ही होता है. आपको कई साल आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, कई साल आपको कम मिलेंगे. सो टू मी आई एम प्रिपेयर्ड बट आई एम श्योर ये है मोहब्बते इज अ ग्रेट शो एंड वी विल बैक अ फ्यू अवार्ड्स. नहीं नहीं हम नहीं कर रहे हैं. हम नहीं कर रहे हैं. आई डोंट नो कहाँ से रूमर्स आ रहे हैं बट वी आर नॉट डूइंग इट. वी आर नॉट डूइंग इट. My look, my sister styled this look for me today. She put in a lot of effort. It's her outfit that I'm wearing. I've stolen my sister's outfit and she made me look all pretty, so yeah. Main bahut excited hu. My friend Nakul काफ़ी नॉमिनेशन आ फ्रेंड नकुल काफ़ी नॉमिनेशंस है उसके, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं यहाँ हूँ नकुल को प्रमोट करने और उसे सपोर्ट करने एंड आई होप ही विंस ऑल द अवार्ड्स. मैं हमेशा बड़ा एक्साइटेड होता हूँ यार. दिस इज माय थर्ड ईयर एट स्टार परिवार. इनफैक्ट इट्स रियली रियली वियर्ड, मुझे बाहर रोका गया. सो इट्स बीन अ व्हाइल सिंस मैं टीवी नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली, और तो चश्मे निकाल देता हूँ शायद लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे. बट इट्स वेरी वेरी स्वीट. दिस इज अ थर्ड ईयर एंड मैं स्टार को कभी भूल नहीं पाऊंगा. दो अभी मैं फिल्में कर रहा हूँ बट आई कैन नेवर फॉरगेट स्टार फॉर लेटिंग मी बी हु आई एम. एंड कश्मीरा और मेरा शो साथ में चल रहा था, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मन मर्जिया. एट वन पॉइंट वी वर ओवरलैपिंग एंड वी हैव बोथ कम हियर टुडे टू सपोर्ट नकुल हु इज अ लवली लवली एक्टर एंड अ डियर डियर फ्रेंड ऑफ हर्स एंड बाई डिफॉल्ट ऑल ऑफ हर फ्रेंड्स आर माई फ्रेंड्स ऑल्सो. एंड And also I have come to talk about this time now here. Yeah, I want all the kids and everybody who's been watching my film and also you guys, there's my film Hanuman the Damdar which is coming out this on the 2nd of June. So sare jitne ban sake dekhega Jai Hanuman Gyan Mun Sagar. Dekhega zarur. Dekhega Hanuman the Damdar. And on the way back I'll come see you guys soon. First we'll go meet Nakul, we're late. Mwah! See you everybody. Thank you guys. पहली बार पहली फिल्म पहला शो पहला प्यार आई थिंक पहला अवार्ड फॉर शिल स्टार परिवार अवार्ड के लिए ऑब्वियसली अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर मी. आई लव जो कुछ हफ्तों मैंने नजबलिए पे जज करते हुए मैंने बिताया है, मुझे इतना मज़ा आ रहा है. आई सो आज इस परिवार से दूर रहने का मन नहीं कर रहा था. Yes. Yes. So, have you? I mean, ever
एक्चुअली नॉट रियली बट लकीली मैं आई बीन फ्रेंड्स विद एकता फॉर अ वाइल तो आई थिंक थ्रू हर लिटिल बिट बिकॉज माई एक्टर्स एंड अप गोइंग फॉर अ शोज एंड दे गेट कोलैबोरेटेड विद हर शोज एंड बट माई रियल इंटरेक्शन कहीं ना कहीं इन लोग से पर्सनली अभी हुई है नजबली पे विद दिव्यांगा एंड पीपल लाइक दिस एंड एक्चुअली मेरी दादी आज बहुत खुश होगी क्योंकि शी इज़ सुपर इन्वॉल्व विद एवरी वन ऑन द चैनल तो शी उसने कहा था कि तुम अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए मत चले जाना बट इस अवार्ड फंक्शन के लिए जरूर जाना पर आई वुड लव इट आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट इट्स जस्ट दैट मैंने पहला काम जो शुरू किया था वो फिल्म पे किया था शायद अगर मुझे टेलीविजन मिलता तो मैं टेलीविजन भी करता इट्स नॉट एज आई हैव एन इशू दैट बट आई जस्ट हैव टू लुक फॉर द राइट कंटेंट टू डू मेरी फिल्मों में भी काफ़ी ड्रामा होता है मैम आपने कौन सी पिक्चर में देखा कि इंडिया में हीरो हीरोइन को किसी को एक को तो बाहर ही देता हूँ उससे ज़्यादा क्या ड्रामा हो सकता है बट इंडिया इज अ सकर फॉर ड्रामा एंड इज द रीज़न पीपल आर वॉचिंग इट बिकॉज दे लाइक इट थैंक यू मच हाय बहुत ज़्यादा एक्साइटेड मैं आज पुणे में था और स्पेशली इसके लिए सो आई एम रियली रियली एक्साइटेड अबाउट इट और इट्स बेसिकली अ स्टाफ एटर्निटी स्टार के जो परिवार है वो पहली बार एकजुट होती है साल में एक ही बार मिल पाते तो इट्स क्वाइट अ बिग इवेंट फॉर ऑल ऑफ अस माय ब्रोच ओ वेल माय कजिन मेरा सबसे छोटा भाई मेरा एक लौता छोटा भाई है उसने एक ब्रांड शुरू किया इज बिकम अ स्टाइलिश नाउ हिज ब्रांड इज कॉल्ड ईपॉक सो ही इज डिजाइंड इट एंड ऑर्डर्ड इट एंड मेड इट सो या दैट्स फॉर दैट्स आई थिंक सुरभि ज्योति क्योंकि मेरे शो की इकलौती वही है जो परफॉर्म कर रही है और सुरभि को मैं बहुत टाइम से जानता हूँ और सुरभि और मेरा करियर एक ही साल में एक ही प्रोडक्शन है उसके साथ स्टार्ट हुआ है सो आई थिंक या सुरभि थैंक यू सो मच और भी है के साथ मैचिंग पहन के आई हूँ यू गाइज आर ऑल्सो इन स्काई ब्लू एंड आई एम इन स्काई ब्लू इट्स द समर ब्लू आई एम वेरी एक्साइटेड आई एम वेरी हैप्पी टू मीट माई परिवार ऑल ऑफ अस टुगेदर सो येस आई एम वेरी हैप्पी हाँ आई थॉट ऑफ वेयरिंग अ गाउन फिर मुझे लगा बहुत ज़्यादा गर्मी है मैं इरिटेट हो जाऊँगी सो इट्स बेटर जस्ट टू वेयर अ समर फ्रेश ड्रेस एंड आई कैन वर्क ऑन माय मेकअप तो मैं थोड़ा ज़्यादा मेकअप कर लिया और फिर मेकअप करते करते ज़्यादा टाइम लग गया फिर बाल बनाने का टाइम नहीं था ऑफकोर्स सुरभि एंड शोएब को अपने ही शो को तुम ऐसे बैठ के तुम क्या एप्पल से वो क्या क्या रिकॉर्ड कर रहे हो तुम Oh my God! Okay. Thank you. Bye. Odds and congratulations to all the winners because you have come in late and best of luck to all the ones who are going to win and I'm going inside and I'm getting very late. Bye. Yeah, what's the name?
Thank you. Actually, no. We surprised her with this, so yeah. So Ashka, what was your reaction when you saw Brent? I think he's getting desier by the day. Yes. Okay, Star Parivar hai, aur inka pehla saal hai Star Parivar ke saath, so it had to be Indian. So yes, we decided to go Indian. I love what I'm wearing, first of all. I think it's pretty royal, and it's a royal party tonight, so yes. I'm very excited. Brent, it's first time. So first time. She's looking very pretty. Oh, bahut sundar, bahut sundar. Yes, I think it was a channel call. I decided what gown I want to wear and they chose the color. मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है अगर माहौल वहाँ इतना गर्म है तो आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये लोग यहाँ गर्मी का मजा ले रहे हैं। Really shit, I feel so bad for you. कल बारिश भी हो गई। अर्जुन होस्ट कर रहा है एंड ही इज डूइंग ब्रेकिंग न्यूज वेरी गुड जॉब विद इट ही इज एक्सीलेंट थैंक यू सो मच दृष्टि और दृष्टि भी होस्ट करने वाली है सो प्लीज आई एम श्योर किसी को नहीं देखना नहीं नहीं ऐसा नहीं है दृष्टि तुम बहुत अच्छा करती हो और आप सब देखेंगे दृष्टि का परफॉर्मेंस भी विच इज़ माइंड ब्लोइंग एंड एवरीबडी नोज कि ये बहुत अच्छा डांस करती है और विनर भी रह चुकी है Well, it's been styled by my stylist and he's made this Pranav suit and I think he's just very good with his job. So bas, it's a little Indo-Western, very different and I love it. The minute he showed it to me, I was like, nahi, main ye pehnunga. Aur hota ye ki hum star parivar mein gareeb nahi hain. Hum ameer hain, hamare kapde bhi ameer dikhte hain. Aur Raghav to waise hi bahut ameer hai. Kaash aisi naina शो में दिखती तो बट आई गेस जानबूझ के मैंने कुछ अलग ट्राई किया बिकॉज आई जस्ट वॉन्टेड माई फैंस और द व्यूअर्स टू सी अस आई एम श्योर दे ऑल्सो वॉन्ट टू सी अस इन समथिंग एल्स एंड दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू ड्रेस डिफरेंट जस्ट फॉर देम एंड ऑफकोर्स फॉर अस बिकॉज़ वी वॉन्ट टू लुक प्रीटी एंड जेरी हैज़ डिजाइन माई आउटफिट सो यस आई लव इट इज़न्ट शी लुकिंग लाइक अ बार्बी डॉल लाइक द ब्लू बार्बी डॉल थैंक यू थैंक यू एवरीबडी यू गाइस हैव अ गाइस प्लीज वॉच ग्रेट हॉट डे स्टार परिवार 28 May रात 8 बजे या 7 बजे 7 बजे से शुरू कर दीजिएगा रेड कार्पेट रहेगा तब हमारा गाउन देख लेना और फिर 8 बजे इवेंट देख लेना लव यू ऑल हमें देखते रहना हम तो सिर्फ देखने आए हैं वी आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द व्यूअर्स
and we've always been a part of Stars Parivar, so it's great to be here to see and them felicitate and young talent and talent that has been on the channel. So we're just joining in the fun. And I didn't come. Yes. Let me just cheer the others. It's not always about being on center stage. And Papa, put on a map. बस मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ, बाकी जो बोलना था इन्होंने बोल दिया. ऐसा होता भाई, पैसा खर्चो तो ड्रेस अच्छी. ये होता घर की चादर निकाल के शीशे लगा के जो पहनो तो अच्छी होती. पता नहीं, ये तो आप बताइए हर क्या कहना चाहेंगे मेरे लुक के बारे में. बहुत खूबसूरत लग रही हो आज, बहुत ज्यादा. तो मतलब पहले ऐसे ही लगती हूँ बेकार. नहीं, आज भी अच्छी लग रही हो, पहले भी अच्छी. ये लड़का इतना कम बोलता है ना, मैं उतनी इनका टॉक टाइम खत्म हुआ और मेरा फुल रिचार्ज रहता है. खैर, आज हर्ष के साथ अपने कपल में आई हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है. और बाकी सब नचबली की वजह से ये बोल नहीं पा रहे, पेन बहुत हो रहा है. और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि स्टार का हिस्सा बन गए हम. मेरी शुरुआत टीवी की स्टार से हुई थी, स्टार वन से, लाफ्टर चैलेंज से. और हर्ष की भी टीवी की शुरुआत, मतलब टीवी में दिखने की शुरुआत स्टार से हुई है. तो थैंक यू सो मच स्टार प्लस. और बस नचबली देखते रहिए और हमको आपके वोट की बहुत ज़रूरत है. प्लीज़ वोट फॉर अस. देखो, जिसका पैर दुख रहा है वही बोल रहा है वोट फॉर अस. प्लीज़ वोट कीजिए, फ्री है, एक मिस कॉल मारना है. कैमरा छोड़ के पहले वोट कर दीजिए भाई साहब, क्योंकि जीत जाएंगे तो फिर अच्छा हो पाएगा. नहीं नहीं, लिफ्ट करने से. डांस तो पहले भी करता था, लिफ्ट नहीं कर पाता था पहले. इनका तो जो इनके पास है वो भी छीन लो. खैर, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत एक्साइटेड है कि हम अंदर जा रहे हैं और स्टार परिवार देखेंगे. नॉमिनेट भी हैं हम इंटरनेशनल जूरी के लिए. और पता नहीं हमको क्या, हमको लगता था हमको अपने देश में नहीं पसंद करते होंगे, तो इंटरनेशनल जूरी के लिए हम नॉमिनेटेड हैं. हर्ष फर्स्ट टाइम नॉमिनेट हुए, कैसा लग रहा है हर्ष? मैं बन जाती हूँ. बहुत अच्छा लगा है मैंने मुझे. और मैंने इससे पहले लिखा कई बार है, आज पहली बार मैं एज ए सेलिब्रिटी वॉक कर रहा हूँ तो बहुत स्पेशल फील कर रहा हूँ. मतलब आज फिर आज बहुत इसके ऊपर कैसे चढ़ पाए? एक्सप्लेन करना है अपने लुक को. अरे बड़ा टाइम लगता है यार तैयार होने में. और मैं वैसी भी लड़की हुई नहीं, फिर वो बाल वाली भी बोलती मैडम सीधे बैठी है ना, ऐसे हुई है, तो उसमें बहुत टाइम लगा. लेकिन जब लोग कह रहे हैं तो वाकई मुझे भी लग रहा है कि मेरा लुक वाकई बहुत अच्छा है. थैंक यू. और अच्छी भी लड़की भारती माइक यहाँ है. हाँ, मुझे भी लग रहा है कि मेरा लुक बहुत अच्छा है, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं और मतलब सब लोग ऐसे देख रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है. और आज मैं हरी भरी इसलिए लग रही हूँ कि माली साथ में है. है ना माली जी? हाँ जी. अच्छा, तारीफ तो बनती है. मैं सुबह से कर रहा हूँ तारीफ, एक्चुअली अब डेढ़ बजे तारीफ खत्म हो चुकी है. डेढ़ बजे उठे हैं सुबह से, कौन सी तारीफ? नहीं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है. थैंक यू. शर्माती है पता नहीं क्यों मुझसे. अंदर रेमो सर भी आए. ये देखा, इसमें नहीं शर्माती, बड़े बड़े हीरो से नहीं शर्मा, मुझसे शर्माती क्यों? क्या करूँ, मैं बहुत चुलबुली हूँ. मतलब मैं जल्दी फंस जाती, मतलब जल्दी फ्रैंक हो जाती हूँ. पर हर्ष बहुत अच्छे हैं. मैं इतनी मस्ती करती हूँ टीवी में, इतना फ्लर्ट करती हूँ, लेकिन हर्ष को पता है कि वो सब मस्ती मजाक एक झूठ होता है. मतलब वैसे मैं सच बिल्कुल भी नहीं करती, है ना हर्ष?
मतलब इतना कुछ किया आज तक हर्ष को कभी पता नहीं चला मैं कितने लोगों की पप्पियाँ ली ये वो, मतलब वो इन शॉर्ट बताया जाए कि वो हर्ष ही मेरे से करवाते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को होस्ट करते हैं एंकर करते हैं तो इन ईयर पर यही बोलता है पप्पी ले ले पप्पी ले ले, जब भी वाले पकड़ आ रहे खींच उसको अपनी तरफ, तो खुद ही पति करवा रहा हूँ मैं करती रहती हूँ। अगला शो हो जाएगा अगला 2018 का। थैंक यू, आपने मुझे अच्छी कहा, इनको खाना देना कौन सा। बहुत सारे यूनिक एक्ट्स डिज़ाइन किए गए हैं और बहुत सारे अलग अलग अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं, अनोखे अवार्ड्स, तो मज़ा आ रहा है। और यू नो वी आर ऑल नॉमिनेटेड आल्सो, तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस एंड इट्स अ वेरी वेरी, मतलब कहूँगा कि बहुत बड़ा बड़ा शो है ये, इट्स अ 360 डिग्री एक्सपीरियंस, पूरा जो सेट है इट्स ऑल अराउंड यू, तो कहीं ना कहीं आई फील इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट फॉर दिस ईयर और इट इज़ लाइक अ ब्रॉडवे म्यूजिकल। आपको पसंद आया, खरीदना चाहोगे? द लुक इज बेसिकली अ जैकेट, इट्स अ इंडियन जैकेट स्टाइल जैकेट, डिज़ाइनर है शायल, उसने डिज़ाइन किया है एंड बस इतना ही कहूँगा और क्या। बस डन, थैंक यू सो मच, दैट वाज वेरी क्विक। एक साथ कुछ खाया नहीं आपके मेरे लिए 10 साल पुराना है, 2007 में पहली बार आया था, 2017 में आ रहा हूँ, 10 साल बाद वापस घर आ रहा हूँ, सो इट्स ओके। व्हाई ब्लैक? जस्ट नज़र ना लगे, शनिवार है। पता नहीं, जो भी था मैंने उठा लिया। कितने नॉमिनेशंस हैं? कुछ है? एक है, डजंट मैटर, बहुत ले लिया यार। बहुत ले लिए। बहुत अच्छा लग रहा है और आपके कॉम्प्लीमेंट ने तो मेरे दिन ही बना दिया। मेरे ना, थैंक यू सो मच, गेट लॉस्ट। अरे वो थोड़ा बच गया उधर ना साइड। हाँ, वो भी लगा ली, लगा यहाँ भी लगा देती हूँ, यहाँ भी लगा देती हूँ। कोई नॉमिनेशन? यस। क्यों जल रहे हो यार, क्यों जल रहे हो यार, क्यों जल रहे हो, मतलब क्यों? एक्चुअली मैं फेवरेट बेटे में नॉमिनेट हुआ हूं, तो प्लीज। मैं ऑलरेडी फेवरेट बेटी हूं, तो इट्स ओके यार, कम ऑन। हाउ इज इट फीलिंग दिस इज योर फर्स्ट आई गेस स्टार सेकंड सेकंड स्टार परिवार अवार्ड्स और
हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं सेकंड के लिए, क्योंकि हम लोग होस्ट भी कर रहे हैं और मैं नॉमिनेट भी हूँ, तो मेरे पास तो डबल होस्ट करने में बहुत एक्साइटेड और मैं बहुत ही मतलब डबल डबल चीज़ें हुई हैं मेरे साथ इस बार, होस्टिंग भी और नॉमिनेशन भी, तो सेकेंड पर स्टार आपको कैसा लग रहा है, मतलब आप मेरे साथ ऐसे शेयर कर रहे हो, आप कैसा लग रहा है आपको, आप ये जो चादर ओढ़ के आए हो आपको कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है रॉब्जा की बोतल लग रहे हो। अभी आले आ रही है सिग्नल बन गए वो येलो लाइट, तो हम लोग ट्रैफिक सिग्नल बने और हम बताना चाह रहे हैं कि प्लीज रूल्स मत तोड़े, धीरे धीरे करके सबको जगह मिलेगी, अपना चलते चले, इसको निकालो यहाँ से। Yeah, obviously. You know, that's why. अच्छा now that's why. आदि और वी से हम बोलेंगे कि आदि अब थोड़ी सी तो तारीफ बन गई है कि आप यार कर दे यार कर दे थोड़ी सी कर दे यार रियल में दिए तो एक्टिंग कर ले तारीफ करेंगे एक्टिंग कर सकता हूं मैं क्योंकि एक्टिंग करने के लिए बुलाया रियल बोल दिया था तो रियल बोल दिया तो पता नहीं क्या क्या तो पता नहीं अभी तो सिग्नल बनाया है नहीं पर अगर आप बोल मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है बहुत ही खर्चा करा इसने अपनी ड्रेस पे तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी लग रही है बहुत प्यारी लग रही है हमेशा की तरह माइक में उठा के मुंह में और सफ़ेद दूध की थैली लग रही है बहुत प्यारी लग रही है पहला स्टार परिवार अवार्ड्स है इनफैक्ट दोनों का, तो बहुत एक्साइटेड हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं, सो इक्वली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। दोपहर का स्लॉट है तो दोपहर में रेड कार्पेट पे वॉक कर रहे हैं आप लोग, और एक्साइटिंग है दिस। और क्या सोने पे सुहागा है ना हमारे टाइम स्लॉट में, हम अपने रेड कार्पेट पे वॉक कर रहे हैं। और क्या चाहिए, कोई नॉमिनी सॉरी कोई नॉमिनेशन किसी जी? हाँ आई थिंक शी इज नॉमिनेटेड तो बिल्कुल भी उमा शंकर नहीं, क्योंकि इनकी जैसी ग्रीन आईज आती है ना, ही लुक्स ऑफ कैरेक्टर, but he's looking really good, the whatever he what he's wearing and his eyes, I mean, are making a huge difference in his character. He's not looking Uma Shankar at all, kisi bhi can say. Yeah, of course she's looking lovely, like golden black, she's totally off, no, she's not actually off Kanak, but the way this red lipstick is, it's like making her face more beautiful, more attractive. Hotness around here, in the sun, in the heat. Much of hotness. Lastly, Suraj mein Sanj Bhaiya ji ko log bahut zyada sarah rahe hain. What you want to say? जी हाँ, ऑब्वियसली हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस बात से कि लोगों को हमारा शो पसंद आ रहा है, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए और हम ये उम्मीद करते हैं कि उनको ये और अच्छा लगे और ज़्यादा एंटरटेन हो, क्योंकि हम यही उनको दे पा रहे हैं और हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं, तो थैंक यू सो मच गाइस। यस, हमें पूरी उम्मीद थी कि हमारे शो को लोग पसंद करेंगे और हमारी जैसे कि रेटिंग्स भी बढ़ रही हैं, तो हम और ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं कि हम और ज़्यादा मेहनत करें और ज़्यादा। फर्स्टली एक हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन था, एज इन बिकॉज लास्ट सीज़न डिड क्वाइट वेल, तो उसके बाद अभी हमारा सीज़न आ रहा है, तो उसमें थोड़ी सी नर्वसनेस थी, बट वो भी थोड़ी काम डाउन हो रही है बिकॉज लोगों को हमारी जोड़ी अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
Very excited because this is my first Star Parivar Awards, and we've also got a nomination, Amla, for Nai Soch, and isliye the excitement is double. So waiting for a fun-filled evening. Dekhte. So this is Kanishka and Ashita, their design, and I'm wearing jewelry by Manu Bhai Jewelers, and I have a list of designers who sort of, you know, made my entire look today. So yeah, kept it very elegant and slightly blingy at the same time. That was the idea. So that's what it is. Abir bhi aane wale hain thodi der mein. I think he's going to join me inside. Thodi der mein, I think he'll be here. All right, thank you, thank you. से मौका मिल गया अपने पूरे परिवार के साथ, लेकिन इस बार संध्या और सुरेश को वो तो है, आप है ना दिल के किसी कोने को जरूर छेड़ देते हो। बहुत कमी महसूस होगी मुझे, क्योंकि ये पहला परिवार अवार्ड है जिसमें वो मेरे साथ नहीं है, बट उनकी यादें, उनका साथ हमेशा मेरे पास है और वो हमेशा रहेगा। अच्छा बाबू, कनक नई सोच के लिए नॉमिनेट हुई है बाबू, खुश हूँ। वो ठीक है, नई सोच है उनकी, छोरे छोरियों की, हमारे को कुछ फ़र्क ना पड़े। हाँ, बाबू तो नहीं है, बाबू अभी भी नाराज़ है क्या आप? बाबा साहब किसी और लड़की के साथ बैठे होंगे। अब देखो ना, मैं इतनी तैयार होकर के बैठी हूँ, इसीलिए तो इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी आए तो हाथ पकड़ करके ना बाजू में ही बिठाती हूँ। हाँ, भूलने की बीमारी तो हो ही गई है उनकी। हे भगवान, जब भी तो लाल कपड़े पहन करके घूम रही हूँ कि मैं भी इन नहीं हूँ, याद रखना मारे को। थैंक यू, राम राम, हे मारा राम जी। इट्स वंडरफुल, इट्स अ वेरी फनी स्टोरी, आई टेल यू। द फर्स्ट स्टार परिवार अवार्ड जब हुआ था, तब मैं कहानी घर घर की में काम करती थी एज श्रुति, एंड आई वॉज नॉमिनेटेड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर स्टार परिवार अवार्ड, जो मुझे नहीं मिला था। और आफ्टर 15-16 आई थिंक आज 17 ईयर्स के बाद फिर से स्टार परिवार अवार्ड हो रहा है, एंड आई हैव बीन नॉमिनेटेड अगेन दिस टाइम एज अ लीड एक्ट्रेस फ्रॉम अ शो ऑफ स्टार, और आई विल आल्सो बी परफॉर्मिंग, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, आई एम सो एक्साइटेड। अच्छा, रणवीर को हमेशा से हैवी ज्वेलरीज वगैरह पहनती दिखा है, इस बार क्या है खास? इस बार आई एम वेयरिंग दिस आउटफिट बाय डिज़ाइनर्स एनी एंड निमू, और कीपिंग द मुंबई समर एंड बिकॉज इट्स अ सनसेट इवेंट इन माइंड, सो मुझे थोड़ा लाइट रखना था। आई बिलीव दैट मिनिमलिस्टिक जितना होता है, आई थिंक इट लुक्स बेटर, सो फॉर मी आई वांटेड टू कीप इट मिनिमलिस्टिक बट ऑल्सो फॉर्मल, एंड दैट्स व्हाई आई चोज दिस कलर विच इज़ बिटवीन बेज एंड गोल्डन। और आगे जब आप एक्ट में देखेंगे, यू विल फाइंड नंदिनी अगेन ऑन द एक्ट। बहुत दिनों बाद, सॉरी, मेरी क्वेश्चन कितने ज़्यादा अंदर मजे करने वाले हैं?
I'm बहुत मज़े करने वाली हूँ. अभी एक हफ्ते 10 दिन से रिहर्सल्स ही चल रहे हैं. कभी वो स्टूडियो आ रहे हैं, कभी हम यहाँ टेक रिहर्सल्स के लिए आ रहे थे. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि आज पूरा जो स्टार्स का परिवार, जितने किरदार हैं, जितने एक्टर्स हैं, डिफरेंट टीम्स, हमारी टीम, सब लोग आज आने वाले हैं. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ वेरी एक्साइटिंग इवेंट. As you can see that. I think साहब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे. And basically I think I'm from Nagpur, so my mom is like, साहब तेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा है? ऐसे पता नहीं यार, साहब से पूछना पड़ेगा. आई थिंक यू प्रेड टू मच विद द स्नेक, दैट्स व्हाई. Oh, it's very interesting. I love playing Vishakha. It's very nice. I don't know if you guys are loving it or not. I hope aap logo bhi pasand aa raha ho, but it's, oh, it's damn nice, yaar. It's very good. It's very good. Wahi wala hai, jisse thoda sa problem ho raha tha initially because I don't have power. But then slowly, slowly I got used to it. It's nice. I think glow zyada aa gaya nahi? Say yes, yeah. Glow zyada aa gaya. I think that's the only difference that I have after wedding. एक्साइटेड. अभी तो एक दो दिन बचे हैं, तो हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. लगता है इंतज़ार के लिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है पिछले 2-3 महीने में. काफ़ी कड़क धूप में शूट किया है, तो मार्च में, और काफ़ी शूट करके हम लोग आ रहे हैं. तो अब देखना ये चाहते हैं कि रिज़ल्ट क्या है, लोग कैसे पसंद करते हैं इसको. तो अब 2 दिन तो बाकी हैं, तो देखते हैं क्या होता है. ऑलमोस्ट देयर. अच्छा, बॉम्ब साथ ही, इसीलिए कामिनी को आप देखेंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है. वो परफॉर्मेंस कर रही है, तो वो शायद उसके लिए रिहर्सल्स और वो सब टेक चेक्स वगैरह कर रही है. ये माँ की बिना तो नहीं आ सकती. अंदर कितने ज़्यादा मज़े करने वाले हैं हम लोग. तो हमारा जो यूनिट है बहुत मजा हुआ है. हम लोग काफ़ी एक दूसरे के साथ काम कर चुके हैं, इन्जॉय भी बहुत करते हैं एक दूसरे के साथ. तो हंसी मजाक का तो वातावरण होता ही. अभी अंदर जाके देखते हैं कि किसकी नकल उतारेंगे हम लोग, क्या करेंगे देखते हैं. है इंडियन वर्जन है स्पाइडरमैन का. वाओ, आई नेवर सॉ दैट. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. या थैंक्स.
Finally, you know our name. Thank God. Finally, yeah. How much you guys are excited being a part of Star Parivar? So much. दिख रहा है चेहरे पे? नहीं दिख रहा? पसीना दिख रहा है? कितनी मेहनत करके आया हम यहाँ पे? पसीने छूट गए आज. अंदर कितनी ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं? आई गेस वी आर, वैसे तो हम भाभो के लिए वोट करने आए हैं हमारे, क्योंकि भाभो इज नॉमिनेटेड फॉर समथिंग, सो बहुत चीयर अप करने वाले हैं भाभो रिया दोनों. एंड व्हाट अबाउट कनक, लाइक नई सोच के लिए वो नॉमिनेट? हाँ तो मिले यार उसे, क्यों नहीं मिलेगा, बहने वाली हमारी वहाँ पे पूरी जान लगा देंगे उनको जिताने के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कुछ क्वेश्चन पूछो ना यार, आपका मेरा थर्ड साल है. ये बोल रहा है Okay, she's Shivalika Broy, and she's my fiance. And yeah, that's it. What else you want to know? I don't know. Yeah, exactly. Actually, bada parivar ghar pe reh gaya, unko bhi leke aana tha. To agar wo aata to baki sab bahar ho jate na. To isliye socha ki nahi. Filhal ek ko leke chalta hu main. Yaar, jo kabhi bhi ho sakta. That's going to be a surprise for everyone. So, no ideas. So, yeah. Thank you so much. That's really so sweet of you. Bless you. Thank you. Thank you. Thank you. अब मैं तारीफ करूं? He's already done it. यार मैं honestly बताऊं, मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है, कसम से बोल रहा हूं. I mean, to be very honest, सुबह उठते हैं एक दूसरे को पहले फोन पे कॉम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं. Honestly. Thank you so much. Thank you. Sorry. पूरे वाई जब को सपोर्ट करेंगे हम, और जो जो हमारे नॉमिनेशंस हैं स्पेशली उनको तो सपोर्ट करना ही है. हमारे संधि साहब आज नॉमिनेट हुए हैं फेवरेट ससुर, और हम दोनों एक साथ लेके जाएंगे उस अवार्ड. कितने ज़्यादा मज़े करने वाले हैं आप? अब देखते हैं अंदर कितने मज़े होने वाले हैं. हम तो हर एक में पार्टिसिपेट करेंगे. डिपेंड कितना मज़ा कर सकते हैं. कितना मज़ा कर सकते हैं. अच्छा हम सबसे तारीफ करवा रहे हैं, आप भी तारीफ कर सकते हैं. किसकी तारीफ करनी है? जल्दी जल्दी करो, आज तो कर ही दो. हाँ आज तो कर ही देते हैं, क्योंकि तारीफ क्या करूँ, मैं तो कई सालों से तारीफ ही करता आ रहा हूँ, लेकिन आज आज कैमरों के सामने, आज सबके सामने पब्लिकली आज तारीफ कर देता हूँ कि मेरी बीवी बहुत ही खूबसूरत लग रही है. You want help?
परिवार में अगर आप परिवार अवार्ड के लिए आप परिवार के साथ आओ तो उसका मजा ही दुगना हो जाता है ना। बस पहले इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कैसा लगा यहाँ पर आकर। बहुत अच्छा लगा। और अच्छा अभी आप लोग के हिसाब से हमारा अवार्ड शो हो चुका है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। हाँ ये बता देना चाहिए ना। हाँ तो हाँ जी अब पूछो सवाल। अभी पूछो। ये जो मेरी ड्रेस है मेरी फ्रेंड परीनी ने डिज़ाइन की है एंड परीनी इज़ अ फैबुलस डिज़ाइनर। उसने लैक्मे फैशन वीक के लिए अभी रैंप वॉक करवाया था। मैं जाना चाहती थी नहीं जा पाई। इंडिया रनवे सो परीनी ने इंडिया रनवे वीक में अभी रैंप वॉक करवाया था एंड आई रियली वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। वो नहीं कर पाई तो आज यहाँ पे रेड कार्पेट वॉक कर रही हूँ मैं परीनी की ड्रेस में। यस मदर्स डे है। माँ मेरी साथ में आई है एंड आई एम रियली एक्साइटेड। मतलब अवार्ड्स मिले आज नहीं मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मम्मी पापा हैं तो अपने आप में अवार्ड जीता हुआ है। बच्चों के लिए पेरेंट्स हमेशा यही दुआ करते हैं कि बच्चे हमेशा ऊपर जाएं और काफ़ी प्रोग्रेस करें। बस प्यार साथ में ना हैप्पीनेस है काफ़ी है। ठीक है अभी हम आए हैं ना। नॉमिनेशंस हैं हमारे काफ़ी और काफ़ी एक्साइटिंग वाले हैं। जैसे रमन अशिता का इंटरनेशनल जोड़ी का है, फिर हम दोनों का नेशनल जोड़ी का है, देन मेरा डिजिटल अवार्ड। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोग फिक्शन की कैटेगरी में फर्स्ट टाइम आई थिंक रियल कपल नॉमिनेटेड हैं। सो दैट इट्सेल्फ इज विनिंग इट। सो फील एक्सट्रीमली प्राउड। अगर हम लोग जीत जाते हैं तो विल बी एक्सट्रीमली स्पेशल बिकॉज That'll be the first joint award that we've got. कोई भी पति-पत्नी के लिए अपने आप में खुशी की बात होती है कि उनके प्यार को सराहा जा रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है एंड जो भी है हम जीते नहीं जीते हमारे फैंस हम हमेशा उनके लिए तो थैंकफुल रहेंगे ही बिकॉज वी नो हाउ मच दे लव अस। और अपने आप में ऑल्सो टू से यहाँ के जो प्यार हमें पता चले लास्ट टू वीक्स में हमें पता चला कि हम लोग टॉप पोजिशन पे हैं नचपलिए में। दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द फैन लव यू नो क्योंकि उन्होंने वोट किया उन्होंने हमें सपोर्ट किया सराहाया इतना सारा प्यार भेजा तो उसकी वजह से हम लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए। और विल ट्राई कि हम लोग आगे तक जाएँ नचपलिए में भी और उन्हें एंटरटेन करने की हम पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं करते रहेंगे। कौन सा लोग बोलो आज मैं लग रही हूँ बिली बेल। अपनी बुराई कर रही हूँ मैं बट आई थिंक आई एम शाइनिंग इन
एंड गोल्ड एंड येलो अ वेरी मस्टर्डी कलर जस्ट परफेक्ट फॉर नॉट द रेड कार्पेट बट स्टार परिवार अवार्ड्स और I think I love what they've, what Shivani has given it to me. She's given me a nice, sexy outfit with a great bag. And I think I look happy. I am feeling happy. Yeah, you are happy. Happy with these 11 awards. क्यों मैं बताऊँ? बताना पड़ेगा यार. I have won 3 awards and नया सदस्य स्टार का. I won digital thanks to the fans जो हमें बहुत प्यार देते हैं. And I have won international jury SS और मैंने दोनों ने जीता. मेरी खुशी दुगनी हो गई क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है मुझे सपोर्ट करने के लिए एंड मेरे प्रोड्यूसर एवरीबॉडी आई थिंक बहुत खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा मैं वेट कर रही हूँ आफ्टर पार्टी में जाना है ना यार क्या है बस करो थैंक यू हाँ क्यों ऐसे तो कूल डूड नहीं है सो स्टार परिवार का मौका है साल में एक बार होता है तो थोड़ी मेहनत तो करनी चाहिए सो वी हैविंग फन विद द डिज़ाइनर या जी तीन अवार्ड जीते हम लोग इस बार वन एट अवार्ड्स बहुत मॉडेस्टली बोल रहा हूँ मैं वेरी हैप्पी आई थिंक अवार्ड्स जीतने का मतलब मेरे लिए कि आपका शो एक्सेप्ट हुआ है कैरेक्टर्स पीपल रियली लव एंड माय पेरेंट्स गेट रियली हैप्पी यार सो जस्ट टू सी देम हैप्पी मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अवार्ड मिलती है ऑल द ट्रॉफीज आई गिव इट माय पेरेंट्स एंड दे आर वेरी एक्साइटेड या हैव यू प्लेड लेगो एज अ चाइल्ड लेगो खेला है आपने तो मेरा बचपन अभी तक चल रहा है तो मैंने लेगो के पीसेज लगा के यहाँ लगा दिया है बेसिकली यू हैव टू मेक द लेगो एंड वी हैविंग फन यार शिवानी शिराली इज माई डिज़ाइनर जो मैं हमारा लुक इशबाज में करती है आई थिंक शी इज़ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री शी इज़ वेरी वेरी गुड एंड शी थॉट दैट आई शुड वेयर समथिंग मोर समरी झटैक गोल्ड है झटैक ब्लैक नहीं सो आई सेड ओके वी विल गो विद इट निक ए क्या फ़ोन पे क्या खींच रही थी इस पे क्यों पहले बताना चाहिए ना तो मैं लाइव वाली देता वी गुड वी गुड नो एग्जैक्टली ये अभी एंट्री है मेरा मुझे क्या पता अंदर क्या हो रहा है आई एम नॉमिनेटेड ऑफकोर्स आई एम नॉमिनेटेड और बहुत खुशी की बात है कि मैं नॉमिनेट हो चुका हूँ एंड आई एम really looking forward to Star Parivar Awards and I'm sure it's going to be damn good fun. Congratulations, you have also won an award. What do you want to say on that? Where have I won? I've just entered. How do I know? We have already seen your award. You can't lie. You've seen it already? Yeah. You've seen it already? Yeah. You're outed? Yeah. We have seen the award. I don't know. Let's see. Let's hope. Let's hope for the best. यार क्यों ऐसे कर रहे हो यार आप लोग इतनी मतलब सच्ची में जर्नलिस्ट बन जाओगे दोस्त थे आप हमारे एक्सपीरियंस वॉज ग्रेट स्टार परिवार एज यूजुअल वॉज वंडरफुल एंड द होल एक्सपीरियंस दिस टाइम वॉज इवन मोर ग्रैंड सो इट वॉज ब्यूटिफुल लुक बहुत ही मिक्स है आई एम वेयरिंग थ्री पीस एंड अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पैंट And I would like to add that this is all thanks to our stylist Minar, who's really got this look together and made it happen in like couple of days, and the pants in like couple of hours. इधर आइए
सर यहाँ पे, सर यहाँ पर, सर सर होल्ड ऑन, सर यहाँ पर, हेलो क्या, अरे तुम लोग कौन सा किया है, सर यहाँ पर, वन मोर सर, अरे ये कौन है वीडियो वाला, कहाँ ना भाई, कहाँ टिकट सर, अब क्यों क्यों यार, ये वीडियो मैम भैया मैम थोड़ा आइए जी, यहाँ पर मैम भैया 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 आप लोग प्लीज ये अभिजोत अरे हां ना एक्सक्यूज मी अभी हाथ और पैर बोलू नहीं मैं बोल रहा मैम या मैम सेंटर सेंटर मैम है प्लीज Yeah. मैम मैम यहाँ पे सीधा क्या मैम यहाँ पर सामने यहाँ पर
ओके राइट सर यहाँ पर सेंटर सही राइट सर सही यहाँ पर सामने यस सर सही यहाँ पर सर सेंटर सही राइट साइड सर सेंटर ये राइट साइड सही है सर ओके राइट साइड सही है एक्सक्यूज मी सर यहाँ पे सामने यहाँ पे राइट साइड Yes sir. Yes sir. Okay, right side sir. Sir, right side. Thank you. Hey, right side. Center. Go to the right side. Yes sir. Excuse me. Sir. Go to the center. Now you are right side. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ma'am, right. Ma'am, here. Ma'am, here. सामने यहाँ पर. Yeah, ma'am. Ma'am. Yeah, right side. अरे ये आगे यहाँ पे. Yeah, सामने यहाँ पर. Ma'am, here. थोड़ा सा थोड़ा उधर से शिफ्ट हो ना दादा थोड़ा यार है पैनिंग शॉट ले खत्म कर दो मैम सेंटर यस मैम राइट है मैम सेंटर मैम राइट मैम सेंटर मैम लोग यार मैम भैया यार मैम भैया यस मैम ऑलमोस्ट सेंटर क्या मैम मैम सेंटर मैम लोग क्या एक्सक्यूज मी मैम लोग क्या प्लीज यहाँ पर मैम अरे यार तुम्हारा आइटम Look at ma'am right side. Yes ma'am. Look at ma'am right side. Ma'am look here. Ma'am. Ma'am look here. Excuse me, Nandini. Amma. Arey passing band kara yaar. आई वडिलांनी नाव दिलं आवडत हॅलो 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 बस ना किती करत राईट राईट सर,
हटना दर्द होते क्या है? थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे तो छोड़ना तो क्या रोल कर रहा है ये छोड़ी हाँ खाली यस मैम यहाँ पे मैम लोग यार ये पासिंग क्या कितने बार पास कर रहे हैं? यस प्लीज सोलो सोलो यस सर सोलो चलिए ना सोलो क्या मैम हेलो क्या यार राइट 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 मैम सेंटर लेकिन मैम राइट साइड डार्क पन है नहीं लाइट पन है हाँ सर मैम ये पढ़ना रे पैर मत डालना ना वो उधर बीच में तब जाएगा खन का गाड़ी नहीं उधर हॉस्पिटल में ले जाने पीआर कुछ नहीं देगा इधर एक्सक्यूज मी सर मैम लोग यार राइट साइड अरे तू बोल ना उसको ये वीडियो वाला उसके उधर है इधर नहीं है प्रशांत जाता हूँ इन जगह पर ओके सर स्वीट बोलो ना मुझे मैम यस मैम लोग ये लोग पटेगी क्या कर रहे थे तुम लोग इतना दिया होते भी हम लोग को दिया कर दिया बदल क्षेत्र पे ना अपनी जगह पे अरे यार बहुत जल्दी बाकी जगह तो चला जाएगा तुझे हाइट है ना सेंटर Yeah.
थैंक यू सर. मैम यहाँ अलग भी अलग भी अरे ये छोटी का वादा है ये छोटी है क्या बेटा क्या लोग क्या लोग लोग थैंक यू ऊपर ऊपर क्या लोग क्या यहाँ पे छोटी छोटी यहाँ पे मारकंडे सर सेंटर सेंटर सर इधर मार लो सर सर मेरा बोल लो सर लोग प्लीज सर सर लुक सेंटर मैम सेंटर मैम लेफ्ट साइड मैम सेंटर प्लीज मैम लेफ्ट साइड ये लेफ्ट साइड यार मैम ये लेफ्ट साइड ये थोड़ा सा शिफ्ट हो मैम ये लेफ्ट साइड हो गया भाई तुम्हारा मैम ये सेंटर है थैंक यू मैम या मैम सेंटर मैम या लेफ्ट साइड या लेफ्ट साइड सर 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 All of your center? Excuse me. All of your center? मैडम आपके सामने सोलो प्लीज मैम सेंटर मैम सेंटर मैम सेंटर थैंक यू अरे यार बैठने के जगह पे तुम लोग खड़े होते राइट मैम या स्ट्रेट तेरी आवाज तो पहुंचती नहीं वहां तक चालीस आवाज हमारी दो फैमिली तुमने पीछे हुई है Okay, ma'am. Madam, excuse me, excuse me. Madam, one second, hold, one second. Excuse me. Wait here, Tony.
राइट एक्सक्यूज मी हम लोग यार एक्सक्यूज मी क्या अंकल तुम्हारा हाथ करना चाहिए।
अरे मैम यार सोलो पिक्चर रुके मैम लेफ्ट रुके मैम लेफ्ट चलो जस्ट थैंक यू फोर है राइट साइड राइट दोनों साथ में कपल कपल जरा खड़ा है वीडियो वालों के जगह पे देखिए मैं ब्लैक बड़ी गाड़ी में तुम आए सोलो मैम राइट यू आर राइट मैम थैंक यू सो मच बुढ़ापे में जब मैम यह सेंटर लो मैम मैम एक बार मत एक बार
Thank you so much. लुक के बारे में जी, तो मैं पहले तो पजामा और टी शर्ट पहन के आने वाला था, लेकिन मम्मी ने बोला कि थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड इवेंट है तो कुछ अच्छा पहनो, तो आई वो दिस. सो या समथिंग वेरी कैजुअल, समथिंग जस्ट लाइक मी एंड क्लियरली माय जॉलाइन स्टैंडिंग आउटसाइड अपार्ट. सो या थैंक यू. कैरेक्टर से बाहर आना था बॉस, ज़रूरी है. संयम काफ़ी इंटेंस कैरेक्टर था इसलिए नॉमिनेट हुआ है. So I had to, you have to detach from your character. So I shaved yesterday and here I am. Acha, how much you are excited for the nomination? Hindi mein chahiye pura? Haan. Okay. Chalega. How much you are excited for the nomination? Bahut hi achhi feeling hai. My first ever JAC show. So nominate hona bhi badi baat hai. It's a good feeling, especially for a character like Sayam, jisne kaafi kuch shades khele, kaafi kuch layers the usme. So it's a good feeling. At the same time, congratulations to everyone else who's nominated on this entire platform. So yeah, it's a good feeling. Thank you. काफी, लेकिन एक detachment नाम की चीज़ होती है, वो immediately करना चाहिए क्योंकि there are better things to come after this. मेरा सफर भले ही छोटा सा रहा 8-9 महीने का, but उसमें मैंने काफ़ी सीखा है. तो yeah, it's fun. I need to go to the hills, yeah. मुझे हिमाचल जाना है, chill करना है, उसके बाद आके कुछ करूँगा. Thank you, pleasure. बहुत दूर रखा है इसलिए एक्साइटमेंट थोड़ी सी अंदर जाके और हो जाएगी. कमिंग ऑल द वे इन द ट्रैफिक, सो बट वेरी एक्साइटेड. अरे बाप रे, मत बोलो यार, बहुत आप करा देना ओ माय माता मेरी अंदर जाके. जगमग होके आई हूँ मैं तो, शो में भी जगमग रहती हूँ. इतनी कलरफुल है यार पिंकी, कुछ भी करती, नाइट सूट भी पहन के चल रही है ना. बहुत चेयर करने वाली हूँ सास मॉम एज एन एक्टर, नितिका कुलीर एवरीथिंग करके. आई थिंक दे रियली डिजर्व इट. दैट्स अ कपल विच इज रियली लुक्ड, वी लुक फॉरवर्ड टू सीइंग देम ऑन स्क्रीन. सो माय लुक, ओ ओके फाइन. आई एम वेयरिंग अ सीक्वेंस शिफॉन विच इज हैंडवर्क, बिलोंग्स टू माई टाउन ओनली. आई कम फ्रॉम बरेली, सो ये बरेली का हाथ का काम है. And it's my mother's sari actually, so I borrowed it from her. Okay, chalo, nice speaking to you. बोला गया था लुक में आना है, सो आई एम इन ट्रेडिशनल. बस वो पल्लू सर पे नहीं है मेरे, सीधी संस्कारी जो कहूँ, बट स्टिल आई एम इन ट्रेडिशनल, सो चलता है मेरे ख्याल से.
आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज टेलीविजन के लिए मेरा पहला अवार्ड है, पहला अवार्ड फंक्शन है. आई मीन नेक्स्ट ईयर लाइक सोचूंगी अवार्ड के बारे में. फिलहाल तो मेरा लाइक रीसेंट एंट्री है, तो पहला अवार्ड फंक्शन है टेलीविजन का. सो आई एम रियली एक्साइटेड. लेट्स सी कैसा रहता है एंड होप टू सी अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल एंड डैशिंग परफॉर्मेंसेस. ऑफ कोर्स मेरी सासू माँ है, इसी माँ है, जगत माता है वो तो. She is gonna get award, I guess. This? Because I was like told a day before, not day before, yesterday that we have to come in sari. I had some other plans, but because मुझे अपने look में आना है, so I planned suddenly planned for the sari and end moment की वो है, so I don't have to say much about my costume, but I hope it's looking nice on me. आई फील रियली ब्लेस्ड. अभी मैं यू नो सारी एनर्जी सोक इन कर रही हूँ बिकॉज इट्स वेरी अनरियल फॉर मी, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे लिए एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. सो थैंक यू. वेल, रेड इज़ माई फेवरेट कलर. इट्स द कलर ऑफ पावर, इट्स द कलर ऑफ लव, पैशन, एवरीथिंग, एंड आई थिंक आई एम ऑल ऑफ दैट, इसलिए मैंने रेड पहना. ओके, सो गाउन्स, आई लव गाउन्स, तो आई डिसाइडेड आई वेयर अ ट्यूब. मैं अपने शो में यू नो इतने हॉट लुक्स नहीं कर सकती हूँ, सो टुडे आई डिसाइडेड दैट आई एम गोना गो द वे आई वॉन्ट टू गो, हाउ आई एम, आई एम गोना शो माई सेल्फ. थैंक यू. एंड दिस बाय द वे इज़ माई ग्रैंड मदर्स क्लच, जो सालों से पड़ा है मेरे पास, आज मैंने ये यूज़ किया. थैंक यू. थैंक यू. ये एक्चुअली सच्ची लास्ट मिनट लुक है, क्योंकि मेरा हाथ मतलब आई इंजर्ड माई हैंड, तो मैंने इतना कुछ नहीं किया. सो सिर्फ गाउन पहन लिया, ईयर रिंग्स पहन लिया और आ गई हूँ. बट स्टाफ परिवार इज़ रियली स्पेशल टू मी, सो आई हैड टू मेक इट. सो आई एम यूजली दिस इज़ माई लाइक यूजली आई डोंट गेट टू ड्रेस अप फॉर माई रेड कार्पेट, क्योंकि मैं परफॉर्मेंस कर रही होती हूँ तो परफॉर्मेंस वाली ड्रेस में ही आ जाती हूँ. बट टुडे इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एक्चुअली लाइक यू नो आई हैव गॉट दिस चांस टू ड्रेस अप. सो आई डन दैट. हाँ, मेरा तीसरा साल है एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज इतने सारे न्यू मेम्बर्स हैं. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू एवरी वंस परफॉर्मेंसेज एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड. एक बार तो पकड़ के लेकिन अब लेके आएंगे वहां से इन लोगों ने.
styled by my mom. I'm wearing this plain red gown. That's been styled by my mom. I haven't done anything. Everything is my mom. मैं सुबह से शूट कर रही थी, मैं थोड़ी सी थकी हुई हूँ, मेरी शक्ल देखिए, मैं एक्साइटेड नहीं लग रही हूँ, बट आई एम वेरी एक्साइटेड. थैंक यू. पता नहीं somehow इस बार जब हमें invitation मिला मैंने उसे बोला था कि Indian करते हैं, स्टार परिवार is more of Indo Western type feel, तो हमने तभी decide कर लिया था कि हम कुछ Indian पहनेंगे. तो मतलब मैं ज़्यादा ड्रेसअप नहीं होती इन जनरल, मुझे अच्छा नहीं लगता हैवी हैवी कपड़े पहनने का, तो मैंने ये स्कर्ट और ये क्रॉप टॉप को मिला के कुछ इंडो वेस्टर्न फील दिया है, कोशिश की कि कुछ कम्फर्टेबल, ज़्यादा गर्मी भी ना लगे और थोड़ा स्टाइलिश भी. Actually, बहुत एक्साइटेड है, लाइक इट्स आई थिंक फॉर अस इट्स द फर्स्ट टाइम टुगेदर, यू नो कि हम कुछ ऐसे अटेंड कर रहे हैं, तो हम काफी एक्साइटेड है. सो आई थिंक इट्स गुड फन. एंड रिहर्सल्स के अलावा जो भी है एक्साइटमेंट अभी अंदर पता लगेगा. लेट्स सी, रिहर्सल्स के अलावा कुछ कर रहे हैं तो ऑलराइट, थैंक यू. अच्छा, यू क्लिकिंग ऑन व्हाट? नो, देयर वेल दिस इज अ आउटफिट बाय आध्या और अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है एक्चुअली, यू नो टू वेयर समथिंग डिफरेंट इज नाइस. देखो आज बहुत अच्छा मौका मिला है, मेरी छुट्टी थी सो आई हैड ऑल द टाइम टू डिसाइड माई लुक, टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू, एंड दिस इज वॉट इज द फाइनल लुक. आई नो आई थिंक आई फॉलो फैशन, सो आई गो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड एंड फैशन, और आजकल ये सब कुछ क्रेप्स एंड बहुत ही फैशन में है, आई थॉट दिस वुड बी परफेक्ट फॉर द ओकेजन. बहुत एक्साइटेड हूँ, स्टार परिवार का हिस्सा मैं बहुत सालों से रही हूँ, एंड इस साल मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज मेरा शो आने वाला है लव का इंतजार, जो स्टार प्लस पे आने वाला है 15 मई से, प्लीज़ देखना 2:30 दोपहर. आई एम प्रमोटिंग माई शो, सो एक्सट्रीमली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ लवली इवनिंग. थैंक यू. पूछिए कौन बनेगा करोड़पति, लड़की तो बोलिए देखो सामने. इस बार तू दिख गया ना मुझे, तो थोड़ा चेंज ओवर आ गया. अच्छा, मजेदार सदस्य के नाम पे नॉमिनेट हुए हैं चक्की, व्हाट यू देख के तुझे लगता है मैं कैसा हूँ? मजेदार हूँ या नहीं हूँ, इंटरटेनर हूँ या नहीं हूँ, बस में मिल जाएगा. मतलब पिछले 7 साल से अभी तो कर ही रहे हैं, तो मतलब अभी ये है कि अभी नया क्या होने वाला है, थोड़ा सा ये सोच के एक्साइटेड हूँ, बाकी अपने नॉमिनेशन को लेकर एक्साइटेड हूँ. भाई बोले तू कुछ. Yes.
इधर में जो आउटफिट है मेरी एक डिज़ाइनर फ्रेंड है उसका मैंने पहना है, उसका नाम है प्रकृति एंड डिज़ाइनर फ्रेंड ऑफ माइन कॉल्ड प्रकृति एंड उनका डिज़ाइनर ये आउटफिट है जो मैंने पहना है अभी फिलहाल एंड आई एम लविंग इट। डिटेल यार अभी मैंने डिज़ाइन करवाया है बेसिकली इट्स अब मैं कैसे आपको बताऊँ, इट्स अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ अ क्लॉथिंग सो अब मैं कैसे बताऊँ, इट्स लाइक्रा कम कॉटन कम पॉलिएस्टर एंड बहुत अलग अलग टाइप का कपड़ा था, इट्स अ वेरी इंटरनेशनल काइंड ऑफ अ कपड़ा एंड या गुड फन टू वेयर एंड वेरी कम्फर्टेबल एंड या आई थिंक इट्स डिफरेंट फ्रॉम वॉट यू यूजली वेयर विच इज़ लाइक द फॉर्मल और द कैजुअल लुक, सो या लविंग इट जी। वेरी वेरी एक्साइटेड दिस टाइम बिकॉज फर्स्ट टाइम एसोसिएशन है मेरा स्टार के साथ एंड दिस इज द टाइम दैट आई एम परफॉर्मिंग एज वेल ऑन तम्मा तम्मा, इट्स अ वेरी क्वर्की एंड पेपी नंबर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट एंड जस्ट वेटिंग टू गो ऑन स्टेज एंड परफॉर्म। थैंक्स सर। हेयर लाइक वेरी लाइक थोड़ा हॉलीवुड स्टाइल लाइक जेल लगाया हेयर को एंड काफ़ी सिंपल छोड़ा बिकॉज ड्रेस इज टू हैवी सो लेस ऑफ एक्सेसरीज जस्ट वेरिंग अ नाइस रिंग लुक नथिंग आई एम वेरिंग अ गोल्डन ड्रेस एंड इट्स अ बेल्ट स्लीव्स विच इज़ वेरी इन सो इट्स काइंड ऑफ इंडियन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द ड्रेस एंड वेस्टर्न ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हायर पार्ट ऑफ द ड्रेस सो इट्स जस्ट परफेक्ट। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड टू माय फर्स्ट स्टार परिवार अवार्ड्स एंड इट्स रियली हैपनिंग, आई जस्ट कांट वेट टू गो इनसाइड। सो मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है स्टार परिवार अवार्ड्स में, सो लेट्स सी अंदर क्या होने होता है। थैंक यू। लड़कियों के टायर दिखाने में हमारा क्या है इसलिए देखना एक्सक्यूज मैम एक्सक्यूज मैम एक्सक्यूज मैम बहुत शौक था तो एक अच्छा सा मौका मिला तो मैंने सोचा। हाँ के बारे में ये कहूँगी कि मेरा मन था कुछ अच्छा सा मम्मी जैसा पहनने का दे देंगे तो ऐसे कुछ ऐसा सोच के लोग डिसाइड नहीं किया बट मतलब ऐसे क्या अगर मुझे शो में बेटा बाप बना दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी कूल नहीं है, कूल डैड इज अ कूल डूड। आई थिंक आज स्टार परिवार की वजह से हम सब पूरा परिवार एक साथ है ये तो जो भी कहेंगे सब खास होगा सो ऑल थैंक्स टू स्टार परिवार। ये एक ऐसा सवाल है जो बार बार पूछ के हमको आप दुख और दर्द दे रहे हैं। इनफैक्ट कल जब हमारा लास्ट शूट था तो हम लोग सोच रहे थे कि अब नेक्स्ट ओकेजन्स ढूंढ रहे थे मिलने के तो राइट टाइम पे ठीक अगले दिन स्टार परिवार हुआ और हम पूरा परिवार साथ में एवरीबॉडी हैज कम सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आई वाज वेविंग तो मुझे पहचान नहीं रहा था वहाँ से शायद उससे पहले तो देख रहा था। I know. I think. We
planned it. We've been working on it since past half an hour. So inka main bataungi because main sakshi hu is look ki. I called her at around 4 and I said chalo SPA mein chalte hain. And she said, but I wasn't planning on kya karu. So 4 baje se leke 4:30 mein she has sourced her dress, done her hair, her my makeup. Designer Sabita, Adya designer is so good. See, but inhe mere ghar se apne ghar se mere ghar mein aane mein 40 minute lage. So wahan we lost time. I know, otherwise you were right. We were on time. She's looking so stunning. Look at her green. This green coal is looking so nice. She's looking so pretty. I love her hair and it's all real. Yeah, abhi tak so, yeah. This Adya has designed for me. Like half an hour she's, you know, sourced it for me. So I'm very happy. आप कितनी बोर्ड है मुझसे ये सवाल 49th टाइम पूछ लेते हैं. We are super happy obviously because star awards तो मेरे को लगता है जैसे करण के ही अवार्ड्स हैं और करण स्टार का दामाद है. So coincidentally हमारे रूम में रेनोवेशन चल रही है and I was just teasing करण की टाइमिंग देखो रेनोवेशन की कि तुम एस पी ए के अवार्ड्स घर लाओगे और मैं घर में जगह भी बना रही हूँ. So नहीं, एस पी ए इज़ लाइक एक फेस्टिवल है फॉर एवरीबडी बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटिफुल अवार्ड. And then it's a Parivar award, so yeah, I think we all are like a Parivar. Karan's hosting again this time, so main is wajah se aur zyada excited. Okay, so how was the second anniversary? This ये बहुत ही special vacation थी हम दोनों के लिए because इस बार सिर्फ हम दोनों थे और कोई नहीं था. स्पेशली इवन द लंडन हनीमून दैट वी हैड वी स्टिल हैड फैमिली फ्रेंड्स विद अस पर इस बार 8 दिन इट वाज जस्ट मी एंड करण एंड द ब्यूटीफुल लोकेशंस इन ग्रीस. सो वी कंसीडर दिस एज अ हनीमून. लुक एट हर ब्लशिंग, शी इज ब्लशिंग मैन. एंड इट वाजंट अ हॉलिडे, इट वाज अ हनीमून, लाइक हनीमून पावर पैक्ड हनीमून. बट इट वाज फन. आई थिंक आई विल ऑलवेज आई विल सजेस्ट एवरीबॉडी टू गो टू ग्रीस बिकॉज इट्स ब्यूटीफुल. ओके, सो अवंतिका, ब्यूटीफुल लोकेशंस. अवंतिका, who's Avantika? Who's Avantika? Ankita. Karan ne aapko kitna special honi karaya, matlab did you done something because unhe romantic hero kaha jata hai is film pe. To is he romantic in real life? Wahan pe kuch aisa special kiya jo aapko yaad hai? Mujhe aisa kaha gaya tha, Karan ne mujhse kaha tha ki main bilkul romantic nahi hu, main on screen jaisa hu bilkul waisa nahi hu. बट करण शायद अपनी बात कहीं भी बात भूलते जा रहे हैं बिकॉज विद ईच पासिंग मंथ ही इज़ प्रूविंग टू बी माई एस आर के माई रियल लाइफ ऑल्सो. तो वो है, रोमांटिक है, वो मानेगा नहीं, यकीन नहीं करेगा, बट ही इज़ वेरी रोमांटिक. थैंक यू. आया गया glamorous event, so I think the chamkila is justified. Bahut khushi ho rahi hai, it's my first award function, so I'm really excited, a bit nervous as well because I've got this little dance act in the end. So thodi bahut nervousness bhi hai, but zyada excitement.
देखिए मैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं ऑफिस में काम करती थी, तो मेरे लिए हर चीज़ फ्रॉम एक्टिंग टू बीइंग ऑन सेट टू हियर इट्स लाइक रियली ग्लैमरस. इतने ऑफिस में मैंने शर्ट पे यू नो लाइक अ कोट एंड ऑल ऑफ दैट सूट पहन के आती थी. आज मैं एकदम ग्लैमरस लुक में आई, तो मेरे लिए भी मेरा खुद का लुक भी बहुत ही सरप्राइजिंग एंड एक्साइटिंग है. एंड द एंटायर शो एंड ऑल द इवेंट्स लाइंड अप, ऑल द डांस परफॉर्मेंसेस आर रियली एक्साइटिंग. अब तो जबरदस्ती है उनको क्या कहूँ खूबसूरती में यार तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो यार सीरियसली. अब तो करना पड़ेगा. ये सवाल मैंने वैसे बहुत देखा है. नहीं नहीं मैं रोज इन्हें सूट में देखता हूँ सेट पे, तो मतलब अब तो साड़ियाँ मतलब अच्छी लग रही हैं. बट आगे अब थोड़े टाइम बाद इनका यही लुक आपको शो में भी दिखाई देगा. सो शी लुकिंग नाइस. ये तो बस एक नॉर्मल ड्रेस है, गाउन है, विच इज लाइक जो बहुत हैवी नहीं है, जस्ट अ सिंपल गाउन. मैं स्टार परिवार के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. और लुक के बारे में, दुर्गा एकदम सिंपल रहती है, वो गांव में रहती है, वो मुझसे इंडियन पहनती है और मैं इंडियन पहन पहन के बोर हो गई थी इसलिए मैंने ये पहन लिया. थैंक यू. No, nothing like that. It's a coincidence that I am in the red family. But I always love wearing sarees, and so this is more like an Indo-Western take when I'm wearing a ready-made saree. And it's my first time that I'm attending the Star Parivar Awards. So I thought, you know, something which goes with my on-screen look also, something that I am comfortable also. And because gowns jo hote, most of the people come in gowns, so I thought, why not just not wear a gown? So this is what I teamed up for myself. Yes. इसको तो मैं बहुत मिस करती हूँ बिकॉज वी रियली जेल वेल. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे जो आज नॉमिनेशन मिला है बेस्ट माँ का, इट्स द केमिस्ट्री बिटवीन द अवनी अर्शीन एंड माई सेल्फ बिकॉज ऑफ विच वी आई हैव गॉट. एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज शो में मैं इसकी सौतेली माँ हूँ, इसकी मैं सगी माँ हूँ भी नहीं, बट स्टिल यू नो बेस्ट बेटी के लिए ये नॉमिनेटेड हुई है, बेस्ट माँ के लिए मैं नॉमिनेटेड हुई हूँ. सो आई थिंक दैट्स वेरी स्पेशल. अंदर तो बहुत धमाल मस्ती और बहुत सारी मस्ती होगी फुल ऑन. और जब तक स्टार परिवार अवार्ड चलता रहेगा तब तक हमारी मस्ती फुल ऑन चलती रहेगी. थैंक यू. Thank you.
शो में तो जुड़ा उड़ा होता है ना, तो अलग दिखती हूँ। क्या करूँ, दिस इज अ साड़ी डिजाइन बाय माय फ्रेंड एंड दिस इज स्वारोस्की एंड बाकी एवरीथिंग नॉर्मल। अंदर जाके कितने मजे करने वाली हैं आप? आई होप कि बहुत मजे करूंगी। हमारे बच्चे तो डांस करने वाले हैं, किट्टू और नायरा, तो बहुत मजे आएंगे। अच्छा, कुछ बेस्ट विशेस देंगे उनका नाम नॉमिनेट? हाँ हाँ, किट्टू और नायरा को मेरी तरफ से बेस्टेस्ट विशेस, और मैं जानती हूँ वो जीत जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, 8 साल से चल रहा है और अभी अभी हमने एंट्री की है दिसंबर से, और बहुत मज़ा आ रहा है शो के शूट में, और बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। बिफोर शी स्टार्ट्स विथ हर डिटेल्ड ड्रामा ऑफ व्हाट शी इज वेरिंग, मैं एक बहुत ही सिंपल सा कैजुअल सा ब्लेजर पहन के आया हूँ, बिकॉज़ आई लव बीइंग कैजुअल एंड या दैट्स अबाउट इट। मैं भी बहुत सिंपल सा कैजुअल सा गाउन पहन के आई हूँ, इट्स नथिंग टू रिजेक्ट, इट्स वेरी सिंपल, इट्स मेड बाय माय वेरी गुड फ्रेंड। नॉमिनेटेड फॉर नई सोच, और मैं फेवरेट सदस्य के लिए नॉमिनेट हुआ, मजेदार सदस्य। जो भी खाना हो प्लीज, जहाँ बैठे होंगे वहाँ, हाँ सब प्लीज भेजना। हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हम लोग को पेट भर के खाना मिलेगा स्टार परिवार में। सो या देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ फूड एंड लॉट ऑफ लाफ्टर। ये जब मैं हम लोग शूट कर रहे थे वहाँ पे, ओके ऑलराइट सॉरी, हाँ तो ऑब्वियसली आई एम एक्साइटेड क्योंकि मेरा फर्स्ट शो है ये स्टार प्लस के लिए, और एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम एंटरिंग एनी अवार्ड फंक्शन में मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। सो एंड आई एम डूइंग द ओपनिंग एक्ट, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी फॉर नॉमिनेशन। सर मुझे आप एक बात बताओ, नॉमिनेशन कैसे होगा? मुझे शो में आए हुए सिर्फ 1.5 मंथ हुआ है, नेक्स्ट ईयर 2 ईयर्स फिल्म फेयर। किसके बारे में? मेरे लुक के बारे में, लुक बहुत ही कैजुअल है, नॉर्मल सूट है, शर्ट है, पैंट है, शूज है, एवरीथिंग फ्रॉम ज़ारा। थैंक यू। माइक है? हाँ, तो बनता है स्टार परिवार के लिए। स्टार परिवार के लिए मैं क्या गाना गाएगा? एनी सॉन्ग? ओके ओके। मेरी रूह का परिंदा फर पड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल न पाए। देखी करां, देखी करां। लाइफ बहुत चेंज हो गया एंड बहुत शोज मिला एंड
ऑफर भी मिला बॉलीवुड में 5-6 सॉन्ग्स सो वी आर वर्किंग फॉर दैट इंशाल्लाह एंड बहुत सारा प्यार मिला है हिंदुस्तान में बहुत सारा रिस्पेक्ट मिला आई एम सो हैप्पी बिकॉज इंडिया सो मेरा कंट्री भी है सो आई लव इंडिया सो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोग कुछ इंशाल्लाह बॉलीवुड में भी देखोगे इंशाल्लाह अंदर जाके कितने ज़्यादा मज़े करने वाले हैं मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ आज भी इधर आया हूँ इंडिया में एंड ऑफकोर्स स्टार परिवार शो पे एंड मैं बहुत इंजॉय करूँगा एंड या मैं ये भी कहना चाहता हूँ सबके लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल इंशाल्लाह या थैंक यू सो मच favorite so I am in that apart from that main soch rahi thi hand gear mein kya pehnu phir soch ke socha ki nach baliye ka branding jab hai to phir hand gear pehnne ki zarurat nahi this something in the foot also I can show you all this is thanks to nach baliye but we are enjoying it you know thoroughly wildcard ke liye taiyari hai we are coming back yes we are there in wildcard really entry स्टार परिवार इज ऑल टाइम फेवरेट तो मजा तो आता ही है बिल्कुल अच्छा हमने सबसे तारीफ करवाई है आप तारीफ कर सकते हैं खुल के कर सकते हैं हमारे पहले देख लो नहीं खुद तैयार होने के चक्कर में एक बार भी मुझे देखा नहीं होगा तारीफ पहले देख लो तारीफ करने के लिए ये बहुत है यू कैन सी हां लिफ्ट्स कर करके कर करके रॉकी स्टार गाउन इट्स अ रेड गाउन विद थोड़ा इंडियन है द फर्स्ट टाइम आई एम ट्राइंग इंडियन फॉर द रेड कार्पेट एंड इट हैज़ लाइक अ रेड गाउन एंड अ कोटी दिस इज अ जैकेट ओके आई एम वेयरिंग अ जैकेट एंड आई एम वेयरिंग लाइक दिस स्वारोस्की नेकलेस एंड इट हैज़ फ्रिंजेस इफ यू सी द विजुअल्स Apart from this, people are actually liking your character.
एक्टर का लुक, उसके बारे में मुझे क्या कहना? पालोमी, आई नो, सो पालोमी का लुक बहुत इंडियन है एंड टीवी पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया हुआ है. इट्स द फर्स्ट टाइम एक्चुअली. इफ यू सी लाइक देयर इज लॉन्ग हेयर एंड देन देयर इज लाइक लहंगा है और उसके ऊपर साड़ी पहनती हूँ मैं, तो मुझे एक घंटा जाता है रेडी होने में, बट इट्स नाइस. अच्छा, अंदर में उमा और कनक को चेयर अप करने वाली है पालोमी की, वहाँ पे भी नाराज रहने वाले? नहीं नहीं नहीं, वहाँ पे नाराज नहीं रहेगी. या आई विल चेयर अप. थैंक यू. What is it? Hello. How are you? Hi. Yes. Dance Plus 3 आने वाला है, उसके बारे में क्या कहूँ, बहुत excited हूँ. दो season में बहुत प्यार मिला है, तो of course season 3 आ रहा है. सॉरी, अंदर बहुत कुछ होने वाला है और मैंने सुना है काफ़ी मस्ती होने वाली है, सो लेट्स सी. मैं भी जा रहा हूँ देखने के लिए, सो कुछ आइडिया नहीं मेरे को. हाँ, मतलब सजने धजने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है. मैं जैसा हूँ वैसे ही आ जाता हूँ, तो इट्स ओके. मुझे यही अच्छा लगा तो मैंने. हाँ जी, अगर मैं स्टार परिवार में आई हूँ तो शायद किसी परिवार से जुड़ जाऊँगी. कुछ हिंट ले लेना. थैंक यू. सॉरी. हाँ बोलिए बोलिए, मैं यहाँ हूँ. आई एम हियर. वो कौन है? हाँ, क्या क्या चाहिए? किसका? नहीं, मेरा तो लुक अभी तो नॉर्मल है, यंग है, और सीरियल में मैं काफ़ी 70 साल का बूढ़ा बना हुआ हूँ, और बस. और क्या पूछना है? अच्छा,
नहीं नहीं उनका क्या पहले एक्ट था उनका, इसलिए वो जल्दी आई और शायद वो अपने ड्रेस में भी है, भाभो के कॉस्ट्यूम में है, लेकिन बाबा सा जो है अभी कोई एक्ट नहीं है, तो मैं थोड़ा लेट आया और मैं अपने कॉस्ट्यूम में आया, ज़रा कॉन्ट्रास्ट दिखाना भी चाहिए ना कि मैं कितना यंग हूँ करके। बहुत इन्जॉय करने वाला हूँ, अभी तो अभी गैप के बाद रिलॉन्च हुआ है हमारा दिया और बाती, मतलब तू सूरज में सांझ पिया जी, और आफ्टरनून स्लॉट है, और अभी आफ्टरनून स्लॉट में हम टॉप कर रहे हैं इस वक्त, तो अभी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं अभी का, जो कि मैं अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि मेरे नए बच्चे जो है कनक और उमा वो क्या करेगी। बिल्कुल, मैं भाभो भी है हमारी बहुत पुरानी साथी, और कनक जो है उनको हौसला अफजाई करने के लिए मुझे कनक और उमा को बहुत चेयर करना है, उसके लिए मैं खास आया हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहाँ गाउन पहना है, और मेरे गाउन का कलर पर्पल है, और ये फ्लोरल डिज़ाइन है, और इट्स डिज़ाइन बाय एली एंड किम, एंड द डिज़ाइनर इज सुगा एली एंड किम एंड इट इज़ द स्टाइलिस्ट। यस, बहुत इंजॉय करने वाली हूँ। एली एंड किम ने मेरा सुंदर सा गाउन डिजाइन किया है, एंड सुगंधा सूद है स्टाइल। नहीं नहीं, थोड़ा सा मुझे रुहाने का, बोला मम्मा आप कभी ड्रेसअप नहीं करते हो, कभी तैयार नहीं होते, प्लीज़ इस बार करो। सो थोड़ा सा हमने भी इस बार आराम से कुछ खा नहीं करने के लिए, चलो तैयारी हो जाओ। मुझे थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ये मेरे असली मिस्टर भल्ला आए लंदन से, एंड आई एम सो ग्लैड दैट टुडे ही इज अटेंडिंग दिस फंक्शन विद मी। आई एम सो लकी एंड फीलिंग ग्रेट। रिजवान सिद्दीकी माय हस्बैंड। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि 4 साल से ऐसा लग रहा था जैसे लंदन से यहाँ आके मैं बनवास काट रही हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, नाउ ही जॉइंड मी, बनवास मेरा ख़त्म हुआ, नाउ आई एम मूविंग विद हिम, सो फीलिंग वेरी ग्रेट, शी इज सो हैप्पी। थैंक यू। सॉरी, एक्साइटमेंट तो है भाई, पहली बार परिवार का सदस्य बने हैं, तो
पर है, एक्साइटमेंट पे है। ये कमबख्त कूल डूड बनने नहीं देते, बाप बाप बना के खड़ा कर देते, भाई क्या करूं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या दोनों अवार्ड्स लेके जाएंगे बच्चे हमारे? हमला सेलेक्ट हुई बहुत अच्छी बात है, और हमला को बहुत बहुत बधाई हमारे शो के लिए भी, और सबकी मेहनत है, डायरेक्टर की भी, प्रोड्यूसर की भी, और थैंक्स टू स्टार और सब टीम को। तो होप करते हैं कि अवार्ड मिले। किसके बारे में? किसके लुक के बारे में? अच्छा ये मतलब ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं, वार्डरोब खोली देख लिया और पहन लिया, ऐसे कुछ डिसाइड किया नहीं कि ऐसा कुछ पहन के जाना है, तो ठीक है, आई एम लुकिंग गुड। क्या वॉट वॉट अंबीर? व्हाट इज अंबीर? फैंस ने नाम दिया है हैशटैग अंबीर, यू माइट बी नोइंग अंबीर। ओके इट्स अमला एंड अबीर, अबीर तो अंबीर। ओके तो क्या था, तो व्हाट यू वांट टू से, फैंस आर एक्चुअली लाइक वेटिंग फॉर यू, मतलब ऐसे इंटरव्यू के लिए एंड सब कुछ, एक्चुअली दे आर लाइकिंग योर कैरेक्टर, व्हाट यू वांट टू से? सो नाइस ऑफ देम, अंबीर साउंड्स गुड, और अच्छा लगा कि लोग पसंद कर रहे हैं, फैंस उसको पसंद कर रहे हैं, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, एंड आगे भी शो बहुत इंटरेस्टिंग है, काफ़ी होता जाएगा, तो देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए, एंड थैंक्स टू ऑल, थैंक यू सो मच, या थैंक यू, या बाय। She is wearing something very beautiful styled by Puneet J. Pathak and I am wearing something very cool styled by Shakti Mohan. मैंने कुछ नहीं यार, random clothes. We're just being last ourselves. Last minute decision कि आना है तो जल्दी से कुछ भी पहन लिया, that's it. Yes, third year. बहुत exciting है ये परिवार का एक हिस्सा होना. बहुत ब्यूटीफुल होते हैं अवार्ड फंक्शंस एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ बहुत अच्छा डांसिंग देखेंगे, एंड डांस प्लस 3 इज कमिंग, सो वी आर गियरिंग अप फॉर दैट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चल क्या भाई तू बस परफॉर्म कर रही है और शो परफॉर्म कर रहा है हमारे शो से, तो वेट यू टू वॉच देम, बाकी हमारा कोई नॉमिनेशन नहीं है तो पता नहीं। थैंक यू बोलना चाहूँगा सबको जिन्होंने आवाज़ पसंद, और उम्मीद करता हूँ आगे भी जो काम करूँगा लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर द लव, थैंक यू। मैंने जब सराया ने पहना उसका ड्रेस तो मैंने बोला भी मैं भी ब्लू पहन रहा हूँ, तो उससे बोला वैसे भी हम हमेशा कोऑर्डिनेटेड होते हैं और आज भी कोऑर्डिनेटेड हैं। इट्स एक्चुअली अ कोइंसिडेंस क्योंकि मैं तैयार नहीं था, लोग सोचेंगे हम झूठ बोलते हैं हमेशा, बट मुझे पता नहीं था कि मोहित क्या पहन रहा था, एंड देन सडनली लाइक ही इज लाइक बेबी फिर से ब्लू, मैंने कहा ओह ओके यू आर वेयरिंग ब्लू टू। बहुत ही सिंपल लुक है, बट आई डू वांट टू से दिस, सो नॉर्मली वी ऑलवेज गेट स्टाइल्ड बाय स्टाइलिस्ट्स एंड डिज़ाइनर्स, लेकिन आज मैंने ये आउटफिट चुना है क्योंकि दिस आउटफिट इज़ गिफ्टेड टू मी बाय फैंस,
दे वर सो स्वीट. उनने उन्होंने ये आउटफिट मुझे अपने फर्स्ट वेडिंग एनिवर्सरी पे भेजा था. दे सेंड मोहित समथिंग, दे सेंड मी समथिंग एंड दे वर लाइक प्लीज़ क्लिक पिक्चर्स इन इट एंड शो इट टू अस. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये पहन नहीं पाई उस दिन और पिक्चर्स भी क्लिक नहीं कर पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज पहनूंगी. सिंस आई वॉन्ट टू एनी वे थैंक दैम कि सब हमारे लिए वोट कर रहे हैं नचपली में. सो दिस इज़ लाइक एन इवन बिगर थैंक यू कि थैंक यू, आई एम लुकिंग प्रीटी बिकॉज ऑफ योर. I'm just excited to see all the performances. अभी तक हम परफॉर्म कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स मिला है लोगों का परफॉर्मेंस देखने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है. मैं उतनी रिलैक्स नहीं हूँ क्योंकि मैं परफॉर्म कर रही हूँ, बट या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड. या आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी सनाज परफॉर्मेंस, दृष्टि'स परफॉर्मेंस. या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दृष्टि'स परफॉर्मेंस. आई फॉरगॉट शी इज परफॉर्मिंग. या नो नो आई एम नॉट वरीड, आई एम जस्ट हैप्पी दैट एवरीवन इज कमिंग बैक. यू नो जो लोग गए थे वो वापस आ रहे तो और मज़ा आएगा, बट एट द सेम टाइम स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा बिकॉज उतना ही ज़्यादा परफॉर्मेंस करने पड़ेंगे अभी. सो बट अच्छी बात यह है कि नॉर्मली जब वाइल्ड कार्ड होता है तो डिफरेंट पीपल कम इन, बट ये हमारे ही लोग हैं. सो इट्स सो एक्साइटिंग सीन देम अगेन इन द रिहर्सल हॉल एंड यू आर लाइक ये आवर बैग. बट बस प्रॉब्लम इसका है कि मतलब हम कम हुए फिर वापस बढ़ गए, तो मतलब उतने और हफ्ते टू रीच द फिनाले और हमारी हड्डी पसली सब टूट रही है. तो क्या थैंक यू. लुक मैंने आज बहुत एलिगेंट सा सिंपल सा बिल्कुल नॉन गौरी जैसा लुक किया है टुडे. मैं श्रेनू एकदम दबंग श्रेनू आई है एंड आई हैव केप्ट इट वेरी सिंपल ड्रेसिंग और वेरी मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी ऑल्सो विद दिस टैसल इयररिंग्स. मैंने इवनिंग गाउन पहना है रोज़ गोल्ड कलर का. इट्स अ वेरी सिंपल सैटन गाउन, कंफर्टेबल गाउन डिज़ाइन बाय माई डिज़ाइनर नम्रता एंड या दैट्स अबाउट इट. मैंने उसको बोला था कि वो जीतने वाला है, वो मान ही नहीं रहा था, तो हमने बैट लगाई थी कि वो मुझे ट्रीट देगा अगर वो जीतेगा. सो अब मुझे ट्रीट मिलने वाली है. अंदर बहुत मज़ा आ रहा है और मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड अपने एक्ट के लिए हूँ जो कि मेरा वाटर एक्ट है, एक्वा एक्ट है. बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हमने शूट किया है एंड बहुत ही सेंसुअस एक्ट है. डन विजुअल्स चल. Shivani has designed this outfit for me and she always designs for me. And she is a magic woman, you know. I mean, I have worked with her in Kabul Hai and Tarhaniya and everywhere you see me, she only designs me. Here also. And a big, big, big thanks to her because it was a very end moment thing. I've just called her. I was like, oh, okay, I'm sorry. I just forgot to inform you. But yahan mere paas red carpet pe pehenne ke liye kuch achha sa gown nahi hai. She just designed it. Thank you so much. Nothing, it's just a simple gown with a jura because मुझे ऐसा लगा बाल खुले ही होते हैं मेरे शो में तो बांध लेती हूँ और मुझे पता था थोड़ी गर्मी होगी so it would be better अगर मैं बांध लूँ.
Yeah, I mean, it's kind of in and I like this. I mean, I really don't like any chunky kadhai or embroidery. So, mujhe usse, and Shivani knows it very well that mujhe kuch aise kaseede wala kaam nahi chahiye hota hai. So, it's a velvet and jute, nothing else. So, and some patches on it. This works for me. Yes, it's my first SPA and I just gonna perform also in this and I'm so excited about it because Star Family is loving me. Thank you so much Star Plus for having me and show is doing good. Thank you so much guys for loving my show and for supporting me. Thank you so much. Thank you. Aha, sir. वेयरिंग लेमन ड्रेस चूँकि ये कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है बट मैंने एक चांस लिया बिकॉज दे वॉन्टेड मी टू वेयर दिस कलर एंड आई थिंक दिस कलर इज सूटिंग मी एंड आई एम वेयरिंग दिस रिंग एंड दिस इयर रिंग एंड दैट्स इट एंड दैट्स अ थिंग आई एम लविंग इट ये मेरा दूसरा स्टार परिवार है पहले स्टार परिवार में मैं सिर्फ आई थी और मैं बैठ के सिर्फ शो देख रही थी और इस तरह परिवार में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला शो देखने का बिकॉज मैं यहाँ पे रेड कार्पेट होस्ट कर रही हूँ और होस्टिंग करके मुझे बहुत 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 मज़ा आया एंड आई फील कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं स्टार परिवार का एक हिस्सा हूँ हाँ नॉमिनेशंस मिली हैं काफ़ी एंड अम्मा को मिली हैं और मेरे जो ससुर जी हैं करण पटेल उनको भी मिली हैं एंड आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर देम लाल पीला काला गुलाबी हरा नीला नीला रोमी ने पहना है सो ये हम लोग कलरफुल बन के आए हैं एकदम मोहब्बत की टीम या थैंक यू Wait, 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 wait
अरे गने मजी आला रे त्याच्यानं प्रॉब्लेम गाडीत बसून गेली सर यू राईट साईड Right. One more right, sir. Ma'am, right. Excuse me. I called him, sir. अरे वो सोनाक्षी को बुलाओ यार. मैम कैन यू कम ओवर प्लीज या या दिस मार्क येलो मार्क या लुक्स लेट ओ या दिस टाइम थैंक यू Thank you.
सर। सेंटर मैम सेंटर मैम राइट सर 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 बाद में मिलो यार बाद में कब मिलो घर जाना रुके लाइट रुके राइट रुके मैम राइट रुके मैम राइट थैंक यू वन स्ट्रेट सेंटर जाके निकल वन सोलो मैम
फ्रेम में आओगे आऊंगा ना फिर चिल्लाते रहना। अरे सब लिस्ट आ गया तो मिल गया बढ़िया नजदीक जा एक सेकंड पाँच सेकंड आप सबसे पहले तो उसके नाइस सेक्सी आउटफिट
No, 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 no,